डॉक्टर्स दे के मैसेज आ रहे हैं। अब सब बदल चुका है, पहले माँ पर प्यार आता था, अब साल में एक बार मदर्स डे आता है। सब कॉरपोरेट कल्चर है, पैसे के पीछे पड़े हैं, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर पेशेंट रिश्ता तो पवित्र होना चाहिए ना। भारत के नौजवान डॉक्टरों की तरफ से मैं ज़माने को पूछना चाहूँगा कि जिस रिश्ते को आप पवित्रता का इल्ज़ाम दे रहे हो, उस पवित्र धंधे में घुसने को कितना डोनेशन लगता है? फिर 5 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएट सीट मिले ना मिले, कुछ नीट फिट जीट एग्ज़ाम बदलता रहता है। उसके 3 साल बाद कोई दो कौड़ी का राजनीतिक आके बोलेगा 2 साल का बॉन्ड लिखो, 5 साल का बॉन्ड लिखो। आप भारत के मेडिकल सिस्टम में काफ़ी चेंज कर सकते हैं, कोई करेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर्स दिन पे हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, सेकंड ओपिनियन कम किया तो सबका बहुत फ़ायदा होगा। आपके डॉक्टर ने आपको कुछ बोल दिया, उसके तुरंत बाद आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त और दोस्तों के रिश्तेदार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगे रहते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या वो सच है। मैं क्या कहता हूँ, आप सेकेंड ओपिनियन क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है ना। तो पूरा रिसर्च करके ऐसा डॉक्टर ढूंढ लो जिसके ऊपर आपको भरोसा है और वो करो। इतना बड़ा देश है, काफ़ी डॉक्टर के पास डिग्रीज भी नहीं है, आपको कोई ना कोई तो ज़रूर मिल जाएगा वही सुनाने को जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन कैंसर जैसे डायग्नोसिस में अगर देरी हुई तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और पेशेंट कुछ भी बोलते, एक पेशेंट मुझे आके बोला कि ये टेस्ट मेरा क्यों नहीं किया, बोला आपको ज़रूरत नहीं है। बोले फिर मेरे पड़ोसी का क्यों किया? मैंने कहा आप आपके पड़ोसी के घर जाओ और भाभी जी से कहो मुझे एक पप्पी दे दो, जब भाभी जी मना करेगी तब उनसे पूछो फिर मेरे पड़ोसी को क्यों दिया, क्योंकि आप हो, आप पड़ोसी नहीं हो। पेशेंट और डॉक्टर में दोनों को बोलूँगा एक दूसरे को तकलीफ़ मत दे। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला पर्सन, इंसान आपको आईने में मिलेगा। था आईने में शिकस्त ए गुरूर ए यक्ताई, कि अपने अक्स के पर्दे में हूबहू मैं था, मेरे रकीबों में कब थी ये हौसलमंदी, नवर्दे इश्क में खुद अपने रूबरू मैं था। डॉक्टर रवि गोडसे।